नमस्ते भारत, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं, सभी का अभिवादन करती हूं। दोस्तों, अपनी रिपोर्टिंग के दौरान मैंने कई बार आशा वर्कर्स को अपने मानदेय के लिए लड़ते हुए देखा, झगड़ते हुए देखा। काफी प्रदर्शन करती रही हैं वो, और उनको अपनी मनपसंद मानदेय कभी नहीं मिली। और आज जब एक नई गाइडलाइन गांव के लिए जारी हुई कोरोना काल में, तो मैंने देखा कि उन पर काफी जिम्मेदारी सरकार ने डाली है। और क्योंकि अभी तक शहरों में मौतों की वजह बन रहा था कोरोना, अब वो गांव में बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सरकार ने रविवार को गांव के लिए एक अलग से गाइडलाइन जारी की है, ताकि जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। इस गाइडलाइन के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं को जुकाम बुखार की मॉनिटरिंग और इफेक्टेड मामलों में कम्युनिटी हेल्थ अफसर को फोन पर बुखार की और बीमारियों की जानकारी से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एएनएम को भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की ट्रेनिंग दी जाने की बात कही गई है। अब केंद्र की गांव को जो गाइडलाइन जारी की गई है, इसमें जो फोकस किया गया है वो निगरानी और इलाज पे किया गया है। हर गांव में जुकाम बुखार के मामलों की निगरानी आशा वर्कर्स करें। इसके साथ ही हेल्थ सैनिटाइजेशन और न्यूट्रिशन कमेटी भी रहेगी उनके साथ। जिन मरीजों में कोरोना लक्षण पाए जा रहे हैं, उन्हें ग्रामीण स्तर पे कम्युनिटी हेल्थ अफसर यानी कि जिसको CHO कहा जाता है, तत्काल फोन पर उनको देखें, ये भी व्यवस्था की जाए। पहले से जो बहुत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं या उनका एक ऑक्सीजन लेवल बीमार होने पर घटता है, तो ऐसे मरीजों को बड़े संस्थानों में जहाँ पे सभी सुविधाएं हों वहां पे भेजा जाए। जुकाम बुखार और सांस से संबंधित इन्फेक्शन के लिए हर उपकेंद्र पर OPD चलाई जाए और इनका एक दिन निर्धारित हो और समय भी निर्धारित हो। संदिग्ध मरीज जो है उनकी पहचान हो और स्वास्थ्य केंद्रों पर ही RAT जांच हो। RAT मीन्स रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जांच हो, और उनके सैंपल नजदीकी कोविड सेंटर्स में भेजे जाए। स्वास्थ्य अधिकारियों और ANM को भी RAT की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो जल्द ही इसका टेस्ट करें, और उनको किट भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य केंद्रों पर टेस्ट किए जाने के बाद मरीज को तब तक आइसोलेट होने की सलाह दी जाए जब तक उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती। जिन लोगों में कोई लक्षण नहीं नजर आ रहा है लेकिन वे संक्रमित के काफी करीब गए हैं और बिना मास्क या 6 फीट की दूरी पर रहे हैं, उन्हें 6 फीट की दूरी से कम पर रहे हैं, उन्हें क्वारंटाइन की सलाह दी जाए और उनका भी फौरन से टेस्ट किया जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। हालांकि ये संक्रमण के फैलाव और केसेस की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन इसे ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से किया जाए। और कुछ गाइडलाइन में जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए भी गाइडलाइन में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। करीब 80 से 85% केस बिना लक्षण वाले या बेहद कम लक्षण वाले आ रहे हैं। ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती किए जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इन्हें घरों में या फिर कोविड केयर फैसिलिटीज में आइसोलेट किया जाए। मरीज होम आइसोलेशन के दौरान केंद्र की मौजूदा गाइडलाइन का पालन करें और फैमिली मेंबर्स भी गाइडलाइन के हिसाब से ही क्वारंटाइन हो। और जो सबसे अच्छी बात इस गाइडलाइन में आज सामने आई है वो है होम आइसोलेशन में मॉनिटरिंग। कोरोना मरीज के ऑक्सीजन लेवल की जांच बेहद जरूरी है। इसके लिए हर गांव में पर्याप्त मात्रा में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर होने चाहिए। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और गांव के जो स्वयंसेवी संगठन है उनके जरिए कैसा सिस्टम डेवलप किया जाए, ये सिस्टम उन मरीजों को लोन पर जरूरी उपकरण दिलवाने का काम करे जिनसे उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट का पता चल सके। मीन्स जो एक किट होती है कोरोना की, उसको अगर वो लोन पे दिलवाएं तो उनका काम आसान हो जाएगा, ऐसा कोई बंदोबस्त करने की बात कही गई है। हर बार इस्तेमाल के बाद थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर में भीगे कपड़े से सैनिटाइज किया जाए। सफाई का ध्यान रखा जाए। क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन में गए मरीजों के बारे में लगातार जानकारी के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स, स्वयंसेवी और शिक्षक दौरा करें। इस दौरान वे संक्रमण से बचने के सभी उपायों और गाइडलाइन का भी अनुपालन करें, उनको फॉलो करें। होम आइसोलेशन किट मुहैया कराई जाए। इसमें पैरासीटामोल,
500 mg और आइवरमेक्टिन टेबलेट, कफ सिरप, मल्टीविटामिन आदि शामिल है। इसके अलावा आइसोलेशन में किन सावधानियों का पालन करना है, इसका भी एक पैम्पलेट दिया जाए, दवाओं की निगरानी की जानकारी दी जाए, एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाना चाहिए जिस पर अगर स्थिति बिगड़ती है या फिर डिस्चार्ज के स्थिति बनती है तो उस संबंध में उनसे जानकारी ली जा सके। मरीज और उनकी देखरेख कर रहे लोग लगातार स्थिति की निगरानी करें। अगर गंभीर लक्षण होते हैं तो तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। सांस लेने में तकलीफ, 94% से नीचे ऑक्सीजन का लेवल और सीने में लगातार दबाव या दर्द होने पर दिमागी भ्रम या भूलने की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए। अगर मरीज का ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होता है तो तुरंत उसे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाए जहां ऑक्सीजन और बेड की सुविधा हो। तो ये एक गाइडलाइन बनाई गई है जिसमें गांव में जो एकदम से खतरा बढ़ गया है उसको कंट्रोल किया जा सके, ऐसी गाइडलाइन बनाई गई है। और इसमें जो आशा वर्कर्स हैं और जो हेल्थ विजिटर्स हैं उनकी बड़ी अहम भूमिका है इसमें। इन लोगों के जिम्मे काफ़ी सारे काम दिए गए हैं और केंद्र सरकार चाहती है कि गांव में कोरोना पे जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। तो ये थी गाइडलाइन संबंधी खबर। आप मेरे साथ बने रहिए और एक बात कहना चाहूँगी आपसे, आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।